अभी मैं निवेदन कर रही हूँ राजयोगी ब्रह्मा कुमार रमेश भाई शाह जी, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है। परमादरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार रमेश शाह जी, ओम शांति। मंच पर विराजमान हमारे वक्तागण और सभा के अंदर आए हुए हमारे बहनों और भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि हमारी आदरणीय दादी जानकी जी का 100 वर्ष पूरा होकर के 101 वर्ष की शुरुआत हो रही है और हम सब उस प्रसंग के लिए साक्षी होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अपने जीवन का दादी जी के साथ संबंध कैसे रहा उसका थोड़ा वर्णन आपको करना चाहता हूँ। 52 में बहनें बॉम्बे में आई, दादी जानकी 54-55 में बॉम्बे में आई और 55 में हमारे घर में ही दादी जी ने क्लासेस शुरू कर दिया ब्रह्मा कुमारी उसका ज्ञान का। तब से दादी जी का ज्ञान सुन करके, ब्रह्मा कुमारी उसका ज्ञान सुन करके, ज्ञान का बीज जो है मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में बैठ गया और आस्ते आस्ते जीवन परिवर्तन होता रहा। दादी जानकी तो उसके बाद 55 के बाद भारत के अन्य कई शहरों में गए, जैसे चंडीगढ़ गए, दिल्ली गए। 65 में मुझे याद है अहमदाबाद में आए, अहमदाबाद में 2 साल रहे और 68 में पूना गए, पूना में 16 साल रहे और उसके बाद जब विदेश में सेवा केंद्र की शुरुआत हुई 71 में, तो अब दादी जानकी को 74 में दादी प्रकाशमणि ने लंदन की विशेष सेवा करके भेजा हुआ था। मुझे याद है 8 अप्रैल 1974 को दादी जानकी कुवैत एयरवेज से बॉम्बे से लंदन आई, साथ में हमारी वहाँ प्रदर्शनी लगी थी, उसका एक सिंबल के रूप में विश्व का गोला लेकर के आई और विश्व का गोला के आधार पर हमको ऐसा लगा उस टाइम पर मैं देख रहा था कि दादी अपने हाथों में विश्व का गोले के द्वारा विश्व का परिवर्तन करना चाहती है। 2 महीना मैं भी वहाँ रहा, हमने दादी जानकी के वहाँ अध्यक्षता में ब्रह्मा कुमारी संस्था को लंदन में रजिस्टर्ड कराया और पहली बार विश्व के इतिहास के अंदर, हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास के अंदर, इंग्लैंड की सरकार ने ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी यूके, उस प्रकार से यूके का नाम से इस पर रजिस्टर्ड करने दिया। बाद में तो दादी जानकी ने अनेक स्थानों पर सेवा बढ़ाई, बढ़ती गई और हम उसके बाद 74 में ही दादी जी के साथ अफ्रीका गए और अफ्रीका की ईश्वरीय सेवा की शुरुआत की। इस प्रकार से सेवा बढ़ती रही और देश विदेश के अंदर दादी ने रजिस्टर्ड कराया संस्था और आज आप सब जानते हैं 140 कंट्रीज़ के अंदर दादी जी का कारोबार चल रहा है। जब दादी प्रकाशमणि अव्यक्त हो गए उसके बाद उन्होंने भारत में आकर के भारत की सेवा का कारोबार संभाला और बहुत ही अच्छी जिससे यहाँ का कारोबार भी संभाल करके हम सबको सिखाया। मुझे अभी भी याद है उनका एक महावाक्य कि छोटी बात को बड़ी करना हो तो बहुत आसान बात है, परंतु बड़ी बात को छोटी करना उसके अंदर ही पुरुषार्थ की ज़रूरत है और बड़ी बात को छोटी करते हैं तो इसके कारण जो आपस में वैर ईर्ष्या द्वेष आदि जो होता है वो नहीं हो सकता है। इस प्रकार से दादी जी का बहुत ज्ञान की बातें हमको सुखने को मिली, अभी भी मिलते रहते हैं, दादी जी के साथ कारोबार करते हैं। जब गॉडलीवुड स्टूडियो की रचना हुई तब दादी जी ने हमको कहा कि रमेश आपने ही निर्माण किया है, आप ही उसको संभालो। इस प्रकार से गॉडलीवुड स्टूडियो का भी कारोबार हमको दिया और इसके बाद दादी जी ने विश्वविद्यालय के कारोबार में परिवर्तन किया, आध्यात्मिक क्षेत्र का कारोबार जो है बहनों के हाथ में रखा और जो रूटीन कारोबार है जिसको कहते हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो कारोबार हम 3 भाइयों को दिया।
और उसके अंदर मुझे भी खास बहुत अनुभव सीखने को मिला। यह विश्वविद्यालय के चार विषय है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। उसके अलावा जो पांचवा सब्जेक्ट जो है मैनेजमेंट, भारत का सरकार का जैसे मैनेजमेंट होती है, दुनिया के अंदर मैनेजमेंट होती है, इस प्रकार से ये दैवी परिवार का भी मैनेजमेंट और उसके आधार पर आने वाले भविष्य के भी मैनेजमेंट कैसे होगी, ये सारी बातें बहुत अच्छी रिश्ते दादी जी से हमको सीखने मिली। बातें तो बहुत है पर समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ ही फिर से दादी जी को उनके जन्म शताब्दी के वर्ष के निमित्त बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति।